हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही काम की बात बताने वाले हैं। जैसे कि जेसीबी अभी 3DX मशीन हमारे पास खड़ी हुई है, जैसे ही हम यानी कि स्टेबलाइजर पे लगा के मशीन को पहले दूसरे गियर में चलाते हैं तो कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जैसे ही हम रोड पे मशीन के लिए चलाते हैं तो कट कट की आवाज़ आ रही थी। यानी कि जो पीछे वाले बड़ा वाला पहिया होता है उसके हब से, तो उसके लिए हम आपके लिए दिखाएंगे कि इसमें जो है अगर ऐसी आवाज़ आए तो मशीन के लिए बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए और बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जैसे ये है 3DX मशीन, इसका काम हुआ था, टायर भी चेंज हुए थे दोनों साइड के, आगे के लोडर का काम हुआ था, दांते वगैरह लगे थे, और किन पिन का भी इसका वर्क हुआ है, दोनों साइड का सेंटर पिन का भी। मशीन बिल्कुल ओके थी, यानी कि जाने की कंडीशन में थी। अचानक से आवाज़ इसमें आने लगी कट कट की। रास्ते में से ही ऑपरेटर भाई को पता पड़ी कि इसमें से आवाज़ आ रही है एक्सल में से कट कट की, तो उसने तुरंत ही वापसी मशीन को बड़े आराम आराम से, बहुत ही आराम आराम से कंपनी में लेके आया है। अब इसके लिए हम खोल के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमने भी यहाँ चेक करी थी तो इसमें जैसे ही हम रोड पे मशीन को चलाते हैं जब भी आवाज़ आती है, अब स्टेबलाइजर पे मशीन के लिए खड़ी कर लेते हैं तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो अगर इस स्थिति में ऐसी अगर कट कट की आवाज़ आती है तो आपके लिए बहुत ही आराम से मशीन को, अगर आप थोड़ी दूर हो मशीन खड़ी करने की, कहीं जगह नहीं है, तो बहुत ही आराम से लाना है मशीन के लिए। ज़्यादा तेज़ स्पीड से नहीं चलाना है, लोडर भी नहीं चलाना है, और बहुत ही यानी कि सावधानी बरतनी है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, हब भी फट जाता है, एनोसीलिंग रिंग वगैरह होते हैं इसके, वो अंदर से सारे टूट जाते हैं। तो अभी इसमें बहुत ही मतलब दिखाते हैं आपको कम नुकसान हुआ है, अभी आपके लिए खोलेंगे फिर दिखाएंगे। इसमें 16 नंबर के 2 वोल्ट रहते हैं और 2 वोल्ट हमने खोल लिए हैं। फिर हमने नीचे एक यानी कि तसला या बाल्टी लगा सकते हैं जिसमें कि जो ऑयल होगा वो उसमें निकल जाएगा और आपके लिए हम बाहर के लिए निकालेंगे। तो एक साइड का ये हब खोलने के लिए हमें दूसरी तरफ से मशीन के लिए डाउन रखना पड़ता है, क्योंकि इधर से जो सारा एक्सल ऑयल होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि उस साइड चला जाता है, इधर ज़्यादा नहीं रहता। जो हब का होगा आधा लीटर या जो भी होगा 1 लीटर करीब वो ही निकलेगा, और जो है तिरछी जब मशीन करोगे तो एक साइड के लिए पूरा एक्सल ऑयल यानी कि एक तरफ चला जाता है, इधर से ज़्यादा नहीं निकलता। तो हमें सबसे पहले मशीन के लिए तिरछा कर लेना है। अब इसके लिए ये 2 बोल्ट हमने खोल लिए हैं ये हब के, अब इसे हब के लिए हम बाहर निकालेंगे फिर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो हमने ये अभी हब के लिए खोला है तो इसके प्लेंटी गियर ये ठीक हैं तीनों, और इसका सन गियर भी ठीक है, और ये एक्सल रोड होती है ये भी इसकी ठीक है, एनोसीलिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बारीकी से चीज चेक करनी पड़ती है कि आखिर प्रॉब्लम इसमें थी तो थी कहाँ। तो आपके लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि ये हब के लिए फिट करा है यानी कि 15 से 20 दिन भाई हो गए होंगे ना, लगभग 1 महीना हो गया। हाँ, तो 1 महीना पहले ये हब पूरा फिट किया था, लेकिन यहाँ जो गोल गोल एक लोहे की एक बार सर लगा हुआ होता है मोटा सा, इसमें ये नहीं है, यहाँ पे एक
गोल गोल सा बार सा रहता है लगा हुआ, वो इसमें नहीं है। जैसे कि हम एक्सल के लिए इसमें सनगियर के लिए हम इस गियर में फंसाते हैं, वैसे ये फंसाया सही करके लगाओ इसे थोड़ा सा हिलाकर। अभी दिखाते हैं इसमें कहाँ दिक्कत थी। तो जैसे कि ये सनगियर लगा दिया है प्लेंटी गियर में, तो ये हिस्सा यानी कि तीनों गियरों से सनगियर कितना डाउन है। अब ये डाउन कहाँ पे है, जब ये सनगियर पूरा नीचे के लिए बैठ गया है तो यहाँ ये हब में ये सनगियर लग के चल रहा है, यानी कि पूरा चिपक के चल रहा है। और लोहे का जो बासर रहता है इसमें बीच में लगा हुआ, वो इस सनगियर को ऊपर के लिए गैप बना के चलता है। बस यही प्रॉब्लम थी इसमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी आपके लिए दिखाएंगे बासर लगा के कि बिल्कुल भी इसमें, मतलब कि जो जैसे सनगियर नीचे लग रहा है इसमें हब में ये चिपक के चल रहा है नीचे की साइड में, यहाँ बिल्कुल भी गैप बन जाएगा और ये समस्या इनकी ये दूर हो जाएगी। हब में ये वाला वाशर लगता है यहाँ पे, इसमें है नहीं। अब इसे हम वाशर के लिए लगाते हैं। वाशर हमने लगा दिया है इसमें, इसमें हम सनगियर लगा देते हैं। ये तो पहले आपने देखा था ये बहुत ही डाउन जा रहा था, यानी कि यहाँ से ये चूड़ियों से ये डाउन जा रहा था, अब यहाँ इतना डाउन नहीं है और नीचे से भी गैप बन गया है यहाँ से चूड़ियों से। पीयूष भाई दिखाना जरा, दिखा दो। यहाँ चूड़ियों से यहाँ गैप बन गया है और वो जो बार्सल लगाने से इसके मतलब बराबर में ये सनगियर आ गया है। तो ये छोटी छोटी गलती आप ना करें, और इन चूजियों के लिए यानी कि जो बार्सल हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यानी कि फिटिंग करते समय ये चीज़ों के लिए हमें लगाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो इन छोटी सी चीज़ों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। तो इस कारण ही आवाज़ आ रही थी इसमें, अब इसे हम फिट कर देते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।